नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। इस वक्त हम जौनपुर के तिलकधारी इंटर कॉलेज के पीछे ग्राउंड में उपस्थित है। यहाँ पर स्टेज आज आपको दिखाई दे रहा होगा भरा हुआ। यहाँ पर सूबे के मुखिया यहाँ पर आए हुए हैं, योगी आदित्यनाथ इसके अलावा आपको स्टेज पर दिखाई दे रहे होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कड़ी टक्कर देने वाले करहल से बघेल जी भी उपस्थित है। इसके अलावा जौनपुर में 9 विधानसभाएं लगती है, 9 विधानसभा के प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जल्द ही अभी मोदी आने वाले हैं, मोदी के भाषण को सुनने के लिए यहाँ पर लोग काफी तत्पर दिखाई दे रहे हैं। उनके कान उत्सुक हैं सिर्फ मोदी के जन संबोधन को सुनने के लिए, चाहे युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर यहाँ पर बच्चे भी उपस्थित हैं तमाम, योगी और मोदी के दर्शन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर उनके भाषण को भी सुनने के लिए लोग काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। मैदान काफी चकाचौंध भरा हुआ है, यहाँ पर भगवा पूरा मैदान हो चुका है और स्टेज पर लगातार यहाँ पर भाषण चल रहा है। लेकिन अब भी लोगों में सिर्फ इंतजार इसी बात का है कि आखिर कब मोदी आते हैं और कब वो जनता को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, इसके अलावा जनता उत्सुक है इस बात को लेकर कि आखिर मोदी क्या कहते हैं जौनपुर के विकास को लेकर, जौनपुर की संस्कृति को लेकर आखिर क्या कुछ कहते हैं यहाँ के सांसद के बारे में, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के जो MLA रह चुके हैं उन्होंने क्या कुछ विकास किया है और आखिरकार जौनपुर में मोदी आ रहे हैं तो यहाँ के विकास को लेकर क्या कुछ परियोजनाएं यहाँ पर बढ़ाई जाएंगी या तमाम विषय जो है हर विषय को लेकर आखिर मोदी क्या कहते हैं इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। और यहाँ पर लगातार योगी जी को लेकर संबोधन किया जा रहा है, बुलडोजर बाबा कहकर उन्हें पुकारा जा रहा है, जिसको लेकर जनता काफी उत्सुक दिखाई दे रही है। बुलडोजर बाबा कहने से लोगों के अंदर काफी उत्साह है, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सरकार दोबारा से आने पर आतंक जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, करोगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार।